नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से राजस्थान ग्राम सेवक 2021 यानी कि 27 और 28 दिसंबर को आपको पेपर लगने वाला है। ऐसा ही पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस पेपर को पूरा आपको क्रैक करना होगा और यहां पर पता लगाइए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। देखिएगा, यहां पर आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो 14 लाख स्टूडेंटों में आपका कंपटीशन है यहां पर, और निकलने की कोशिश कीजिएगा उन 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे दोस्तों यहां पर। तो आज आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। माइनस मार्किंग आपकी 1/3 है, ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा असमंजस में है। लेकिन आपका जो पेपर रहेगा वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का होगा दोस्तों यहां पर। इससे यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है और यहां पर जो आपका पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा। जो 120 प्रश्न है वो 100 अंकों का होगा। टाइमिंग आप देख लीजिएगा यहां पर, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको पूरा मिलने वाला है, जिसमें आप देखिएगा आपके जो प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज आने वाली है। 10 हिंदी के आएंगे, 10 रीजनिंग के आएंगे, और यहां पर 8 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और बाकी जनरल नॉलेज आएगी दोस्तों यहां पर, जिसमें करंट अफेयर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, भारत की ज्योग्राफी और विश्व के महाद्वीप और पर्वत। तो सपोज कीजिएगा कि इस वक्त आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने पेपर ये है, तो इस पेपर को आप कितना प्रतिशत क्रैक कर सकते हो? क्या आप 80% इसको क्रैक कर सकते हो? अगर आप 70+ इसको क्रैक कर सकते हो, 65% इसको क्रैक कर सकते हो, तो आप सेफ जोन में हो दोस्तों यहां पर। तो पता कीजिएगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, या फिर यहां पर देखिएगा प्रधानमंत्री 2 दे रखे हैं, तो यहां पर बताना होगा आपका। बिल्कुल करेक्ट, ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री इसके प्रधानमंत्री के स्थान पर यहां पर मुख्यमंत्री है, तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूछा गया है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, घग्गर का मैदान स्थित है कहां पर है? घग्गर का मैदान बताएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में, या फिर झुंझुनू सीकर जिले में, या फिर जैसलमेर बाड़मेर जिले में, या फिर जालौर सिरोही जिले में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने देखिएगा 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? बताना होगा इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गेहूं, गन्ना या फिर कपास। देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा है, तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो गेहूं है वो यहां पर रवि की फसल हो जाएगी, गेहूं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर 4 नंबर का प्रश्न है यहां पर, देखिएगा किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 157 या फिर अनुच्छेद 158। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 161 में यह बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का 6वां संभाग किसे बनाया गया था? ऑप्शन है कोटा को, अजमेर को, या फिर बीकानेर को, या फिर जयपुर को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कब बनाया गया था, यानी कि 1987 में इसको संभाग का दर्जा दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है, कहां पर सबसे ज्यादा सागवान पाए जाते हैं राजस्थान में? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्रों में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा सेवर भरतपुर जो कि सरसों अनुसंधान केंद्र है, स्थापना की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर 1993। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किसान जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वह कौन सी मिट्टी है? बताएगा मटिया, मटियार, दोमट
बालुई खाद या दोमट या फिर कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बालुई मृदा है इसको सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नौवें नंबर का क्वेश्चन आज, राजस्थान को किस खनिज पर एक अधिकार प्राप्त है, लोहा, मैग्नीज या फिर क्रोमियम या फिर जस्ता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जस्ता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दसवीं नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी से संबंधित नहर से संबंधित है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारिता को दूर करने का उपाय है, बताना होगा अत्यधिक वृक्षरोपण या फिर जिप्सम चूने का प्रयोग करना या फिर भूमि में यूरिया का उपचार करना या फिर उपयोग सभी। तो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जिप्सम चूने का प्रयोग किया जाता है यहां पर भूमि की क्षारिता को रोकने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ग्यारहवीं नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर गंगानगर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गंगानगर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी इस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार, 10% की वृद्धि दर्ज की गई थी मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे अधिक है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य हो जाएगा भारत का वो केरल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है फोलरी आभूषण, बताएगा कमर पर, पैर की उंगली पर या फिर हाथ की उंगली पर या फिर बाजू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैर की उंगली का आभूषण हो जाएगा कौन, फोरली, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 15वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, तो देखिएगा आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, घूमर, नेजा, पनिहारी या फिर गैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनिहारी नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, बताएगा हडवू जी या फिर गोगा जी, है ध्यान रखना थोड़ा सा, ये गोगा जी हो जाएगा इसमें, और ये यहां पर पापू जी, यहां पर तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पापू जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऊंटों के देवता के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, एक संप्रदाय से संबंधित जो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा एक या दो, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर संत हरिदास जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से गलत की पहचान कीजिएगा, आपको यहां पर देखिएगा लेखक दे रखा है और साहित्य दे रखा है, तो इसमें से जो गलत है वो आपको पहचानना होगा कि कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा यहां पर हमीरहट चंद्रशेखर, और देखिएगा यहां पर पृथ्वीराज विजय जयनायक, हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी, और यहां पर पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें से जो गलत है वो यहां पर डी ऑप्शन ही यहां पर गलत निकल के आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक लिंग महात्म के लेखक है कौन है, बताएगा मंडन, कानड़ व्यास, विजय दान देता या फिर चंद्रशेखर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कानड़ व्यास ने इसकी रचना की थी एक लिंग महात्म की, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पापड़ और भुजिया के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर।
आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा पीतल पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है वो अलवर में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस देश को 2021-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के लिए चुना गया है, बताना होगा कौन सा देश है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक पाया जाता है, बताएगा भील, गरासिया, मीना या फिर डामोर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गरासिया जनजाति में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है, बताना होगा ये यानी कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो बताना होगा कौन सा एयरपोर्ट था यहां पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन नेशनल एयरपोर्ट की तरह इसको तर्ज पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है, तो बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से एक गलत की पहचान कीजिएगा। पिछले एग्जाम 2016 में दो स्तूप आपसे पूछे गए थे, तो ध्यान रखना इस बार भी स्तूप आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा दमेक स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश और उपयुक्त में से सभी सही है, तो बताना होगा इसमें से सही जोड़े की पहचान कीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राष्ट्रीय समर स्मारक स्थित है कहां पर है राष्ट्रीय समर स्मारक, तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया था तब, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइएगा इसका, अनुच्छेद 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 या फिर आर्टिकल 157, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 153 के तहत संविधान में यह बताया गया है कि यहां पर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइएगा जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया है, तो ध्यान रखना भारत का जो रेल मंत्री है यहां पर बदल चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, पहला पीयूष गोयल थे, तो अब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष को, तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो विधानसभा में जो उपाध्यक्ष होता है उसको देता है कौन, विधानसभा जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां स्थित है बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम निवास या फिर लाल सिंह सक्तावत या फिर टिक्काराम पालीवाल या फिर नरोत्तम लाल जोशी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा, ये भी यहां पर करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बताइएगा गुजरात का पूछ सकता है, पंजाब का पूछ सकता है और
उत्तराखंड का आपसे पूछ सकता है। तो तीनों को आप याद रख लेना दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से संबंधित है। राज्यपाल भी आपको करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन याद रख लेना है। तो बताना होगा कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भूपेंद्र पटेल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है बताएगा न्यूनतम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11+1 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से मुख्य सचिव का चयन कौन करता है बताएगा, तो मुख्य सचिव का जो चयन करता है वो यहां पर मुख्यमंत्री करता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, कितने खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 यानी कि कितने खिलाड़ियों को 2021 से सम्मानित किया गया था, दिया गया था, तो बताना होगा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, 12, 15 या फिर 21, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ियों को यहां पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या फिर सरकारी समिति, तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है बताएगा, तो आपका ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ग्राम सेवक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं बताना होगा कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 40वें नंबर पे आप पहुंच चुके हो, यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहां पर जब तक पूरा पेपर क्रैक नहीं कर दोगे आप तब तक वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, आपको पता करना है कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहां पर टोटल कॉन्सेप्ट आपको पता है 40 कॉन्सेप्ट है यहां पर टोटली, और 40 कॉन्सेप्ट में से आपको पता है जनरल नॉलेज के 70 से और यहां पर 75 क्वेश्चन के बीच में आपकी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं पूरी तरह से। पिछली बार यहां पर 70 से 66 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जनरल नॉलेज के, तो इस बार भी इतने ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन बताएगा इसका सही आंसर, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर पंजाब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा बरसात करते हैं जब लौटता हुआ मानसून होता है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बरसात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होती है, इसलिए उसको राजकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कौन सा है बताएगा, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का वो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम बरसात होती है, जिसमें देखिएगा गुजरात का पश्चिमी, राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र और यहां पर लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पूर्वी लद्दाख में यहां पर पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, आर के माथुर, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह या फिर अजय कुमार, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्री के द्वारा इसकी यहां पर उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में मैग्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहां पाई जाती है बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण से, भू यहां पर शरण से, ये रोकथाम से या फिर दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी, महानदी, माही या फिर कृष्णा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो माही नदी है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा जो वृक्षादित क्षेत्र है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं बताइएगा, पूर्वी डेंकन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, या फिर पूर्वी तट पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पूर्वी डेंकन में। अब ये पूर्वी डेंकन कौन है, जो सात वहनों का वो राज्य है जिसमें यहां पर त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहां से निकलती है सिंधु नदी, तो ये निकलती है यहां पर कैलाश पर्वत से निकलती है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भीलों की आजीविका का मुख्य साधन है, बताना होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, शिकार, वनोपज, या फिर कृषि, या फिर उपयोग सभी। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से राज्य है बताएगा, तो ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जम्मू कश्मीर, देखिएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, ये चार राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था बताइएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या जनजाति है, कौन सी है सबसे बड़ी जनजाति भारत की बताइएगा, भील, गौड, या फिर संथाल, या फिर थारू। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड जनजाति, भारत की सबसे बड़ी गौड जनजाति है, और ये कहां पाई जाती है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अंटार्कटिक, यहां पर अटलांटिक, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर अफ्रीका। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, बताना होगा किस दुर्ग को कहा जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बौद्धों का पवित्र साहित्य है, बताना होगा साहित्य कौन सा है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ये साहित्य के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 56 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, चैत्र में, श्रावण में, भाद्रपद में, या फिर कार्तिक में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण में मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है, इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार, या फिर नासिक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में, भोपाल में यहां पर कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्यों की सूची में किसका मिलान सही नहीं है बताइएगा, बिहू नृत्य आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना होगा, तो ध्यान रखना जो बिहू नृत्य है ये असम का है, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है कौन सा है बताइएगा, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात वहन सेवन सिस्टर भाग का नहीं है, बताना होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, या फिर त्रिपुरा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल है, ये इन राज्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, आल्पस, हिमालय, एंडीज या फिर रॉकी। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आल्पस, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चेचक की देवी सेंडल माता महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है, रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता या फिर शीतला माता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शीतला माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, कारण क्या है श्वेत महाद्वीप को जानने का इसका बताएगा, तो यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर अंटार्कटिका को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है तो इसलिए श्वेत महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, बताएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था बताएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिगवोई असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी उत्सव मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है बताइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है दोस्तों, यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा द्वीप मौजूद है ऑप्शन नंबर, और समुद्र में स्थित है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सिंहभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं तो सबका आंसर देना होगा, सभी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 10 हिंदी के हैं, तो ध्यान रखना यहां पर एक एक क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे और वीडियो के अंत में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखिएगा, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है या फिर आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बताएगा इसका सही आंसर, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। तो जावा एक भाषा है, ध्यान रखना डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, बताना होगा रजिस्टर्स, बिट्स, बाइट्स, प्रोग्राम। रजिस्टर यहां पर देखिए, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें क्या रहता है, मेन मेमोरी रहती है, तो उसमें रहता है प्रोग्राम, रहता है सॉफ्टवेयर, रहते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह मोबाइल की मेमोरी में ऐप रहते हैं उसी तरह यहां पर प्रोग्राम रहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर मॉडम या फिर इंटरफेस कार्ड या फिर केवल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मॉडम, कंप्यूटर पार्ट्स, इंटरफेस या फिर वफर मेमोरी। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट, एनडीएनटी या फिर आईबीएम या फिर जेरॉक्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरॉक्स, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, बताइएगा इसका सही आंसर, ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर या फिर सर्च इंजन। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किस शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, बताइएगा, तो उसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल ए एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, बताइएगा एमबी, टीवी या फिर जीबी या फिर केवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देखिएगा सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना होगा, हिंदी के क्वेश्चन है राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहस्थ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द आपसे पूछ सकता है, पर्यायवाची आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा श्री राधा, विनाश या फिर इतिश्री या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इतिश्री, गणेश जी का जो श्री गणेश जी का जो विलोम है वो इतिश्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा वर्षा, नीरद, बादल या फिर विद्युत, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नमक, सारथी, मोर या फिर घोड़ा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव या फिर आकाश, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुमेशु का, यहां पर कामदेव, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, गगन चुंबी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चक्रपाणी में कौन सा समास है, बताइएगा अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का, ये शब्द हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा कौन, स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, महोदय में कौन सी संधि है, बताइएगा दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि, तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महोदय में यहां पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ताम्र, उच्चारण इत्यादि या फिर मोह, तो ध्यान रखना इसमें से शुद्ध जो यहां पर बर्तनी है वो आपको पहचाननी होगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ताम्र हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध है वाक्य, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा ताम्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है यहां पर, दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, सर्वोत्तम, संसारिक या फिर स्रोत या फिर कीर्ति, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोगों ने जनरल नॉलेज का पूरा पार्ट इस पेपर में कंप्लीट किया है, तो अब बताइएगा कि अगर आप 90 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न सही करके आ सकते हो एग्जाम में। देखिएगा रीजनिंग में आप 100% यहां पर 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जिनमें से आप 8 से 9 क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल कर सके आओगे, ये तो पक्का है, यानी कि 8 नंबर यहां से आप पक्के लेकर आओगे। इंग्लिश में आप मान के चलो 5 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश में आप लेकर आओगे, और यहां पर देखिएगा यहां पर यानी कि जो मैथ है आपकी, अगर मैथ में आप यहां पर 10 से 9 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 7 मैथ में लेके चलो, यहां पर 8 यहां पर हिंदी में लेके चलो, यहां पर इंग्लिश में आप यहां पर 7 पूछे जाएगा इंग्लिश में, तो लगभग 4 आप इंग्लिश में लेके चलो, तो यहां पर देखिएगा जो आपकी परसेंट यानी 19 नंबर आपके यहां से बन रहे हैं, और बाकी जनरल नॉलेज में आपका जो पार्ट होगा उसमें देखिएगा यहां पर 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप 60 लेकर इधर चलिएगा, तो यहां पर जो आपकी परसेंटेज है वो लगभग यानी
80% से ज्यादा बननी चाहिए एग्जाम में, तब जाके आप यहाँ पर इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, वीडियो नंबर होगा वो यहाँ पर 21वें नंबर का वीडियो होगा जो कि भारत की ज्योग्राफी से संबंधित होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो 60% अभी तक क्रैक कर दिया गया है और अभी 40% और बचा हुआ है, बहुत जल्द इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। धन्यवाद।